इतिहास नहीं है, इतिहास ही हमारा है। एक वो है राजा मोहम्मद अनवर खान जंजुआ, पाकिस्तान में लेखक तारिके राजपूत, उन्होंने राजपूतों का इतिहास लिखा। अब जो गलत लिखेंगे तो फिर गलती तो पकड़ी जाएगी, अब वो गलत लिख गया। वो बताओ जी, आप वो जो किताब बोल रहे थे उसके बारे में बताओ। जो किताब बोल रहे थे, अरबों ने किताब लिखी अरबी की, अरबी में किताब उल अलाकन नपीशा जी के पृष्ठ 134-135 पर लिखा है, वा याल्लाहा ओ अल मलिक काला लही जूजर, अर्थ जी मैं एक देश में गया जहाँ के राजा गुर्जर हैं जी। इब्ने खदीद वहा द्वारा लिखित के पृष्ठ 16 पर लिखा है, वा मिम मलिकुल हिंद जवा मलिकल टाक व मलिकुल जूजर, हिंद के राजाओं में और हैं जो चाप टाक और गुर्जर राजा कहलाते हैं जी। लेकिन उसमें गुजरों का नाम तो नहीं है ना जी, गुजरों का नाम भी है उसमें, गुजर का नाम भी खोल रखा और गुजर गुजरों का ही नाम खोल रखा है, और का तो नाम ही नहीं लिया किसी का भी जी, और का किसी का नाम नहीं लिया। राजपूतों के बारे में और पता नहीं, राजपूतों के बारे में तो नहीं आया। 1192 से पहले जी कोई जाति राजपूत नाम से स्थित नहीं थी जी। पूरी चिट्ठी पढ़ दो। एक वो है राजा मोहम्मद अनवर खान जंजुआ पाकिस्तान में जी, लेखक तारिके राजपूत, उन राजपूतों का इतिहास लिखा। तो हमारे ताया साहब वेराणा लेसन साहब, उन्हें एक चिट्ठी लिखी उस राजपूत के नाम जी, उन लिखा, सेवा में श्रीमान राजा साहब आदाब जी, मैंने प्रश्न किया था 1192 से पहले का कोई हवाला दें जहाँ राजपूत जाति का वर्णन आया हो, आपने यूं ही हेवन सांग नाम लिख दिया है जी। इसके यात्रा लेख का अनुवाद वाटर्स ने किया है जी। किसी जगह राजपूत का वर्णन नहीं है, बल्कि वह लिखते हैं जी, गुर्जर राज्य की राजधानी भीनमाल है, यहाँ का राजा 18 वर्ष से युवक है जो बहुत बुद्धिमान है, बहुत धर्म का अनुयायी है, मूलतः क्षत्रिय है। हेमन सांग महाराजा हर्ष के दरबार में आया था, हर्ष का मंत्री बाण भट्ट अपनी पुस्तक हर्ष चरित्र में लिखता है कि हर्ष के बाप प्रभाकर वर्धन ने भीनमाल के गुजरों की नींद भंग कर दी थी जी। मिस्टर हार्नेल, जी एस चटर्जी, सी वी वैद्य लिखते हैं इस काल में उप